NSUI के राष्ट्रीय संयोजक का अजमेर में युवाओं ने किया स्वागत। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नई इकाई के गठन को लेकर भी की बातें। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन। BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। बुधवार को NSUI के राष्ट्रीय संयोजक पारस गुर्जर रजलानी के अजमेर आगमन पर पायलट ब्रिगेड अजमेर के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान रंगरेज के नेतृत्व में ब्रिगेड की पूरी टीम की ओर से स्वागत किया गया। साथ ही शिष्टाचार मुलाकात की एवं पायलट ब्रिगेड अजमेर की टीम की पूरी तरह पूरी पदाधिकारी गण ने उनसे चर्चा की, छात्र हितों को लेकर बात की, एक दूसरे के अनुभव और विचार साझा किए, आगामी होने वाली परीक्षाओं के आयोजन को रोकने हेतु चर्चा की, छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करने की बात की, एक दूसरे का सहयोग करने व आगे बढ़ने पर चर्चा की। जिसमें हम लोग महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर और अजमेर ग्रामीण एवं अजमेर शहर के तमाम कॉलेजों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नई इकाइयों के गठन को लेकर के और स्टूडेंट्स के समक्ष अभी COVID-19 के इस भयानक समय के अंदर किन प्रकार की दिक्कतों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है, उस पर चर्चा करने के लिए मैं अजमेर में हूँ। तमाम हमारे जो छात्र नेता है उनके साथ मेरी बातचीत हुई है, उनसे पर्सनली मैं मुलाकात कर चुका हूँ और कल हमारी अजमेर की तमाम छात्र नेताओं के साथ बैठक है और उस बैठक में हम लोग न केवल नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर के चर्चा करेंगे, नई कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे, साथ ही साथ स्टूडेंट्स को प्रवेश से लेकर के और एग्जाम तक किन किन समस्याओं का सामना अभी पड़ रहा है इसको लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो आम स्टूडेंट हैं उनकी जन सुनवाई के लिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम लेकर के आ रहे हैं। जूम ऐप के माध्यम से हम आम स्टूडेंट से कनेक्ट होंगे, यूनिवर्सिटी हो चाहे अन्य कॉलेज हो, वहाँ के स्टूडेंट्स की हम आज इस COVID-19 का जो समय चल रहा है, ऐसे में जबकि क्लासें नहीं लग रही है, कैंपस सारे बंद हैं, तो ऐसे में हम स्टूडेंट्स के लिए पाठ्यक्रम की किस प्रकार से व्यवस्था कर सकें, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज का क्या विकल्प हो सकता है, इसको लेकर के NSUI पूरी तरह से सजग हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि NSUI ने अपनी सरकार होने के बावजूद भी राजस्थान में पूरे देश के साथ साथ एक बहुत बड़ा आंदोलन पिछले दिनों चलाया था तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए और उसमें NSUI की मांग पर राजस्थान की सरकार ने तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। और आज चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से नीट और जी के एग्जाम को पोस्टपेंड कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो बहुत जल्द हम अजमेर से भी उनके सहयोग में ऐसे ही आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। आज मेरा यहां अजमेर पहुंचने पर तमाम युवा साथियों ने जो अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं तमाम कार्यकारिणी का, युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पारस गुर्जर, राष्ट्रीय संयोजक, NSUI।